अल्लाम नाजीन प्रोग्राम हेल्थ एंड अवेरनेस के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अहसन अब्बास नाजीन 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पर मनाया जाता है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस हवाले से कैंपेन्स जो है वो मुनकद की जाती हैं. व्यूवर्स ओवरऑल बात की जाए तो दो सन दो हज़ार से ये दिन जो है हर साल वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से मनाया जाता है और इस साल की भी जो कैम्पेन है आई एम एन आई विल तमाम उस मनफी सोच की और मनफी जो रवैये हैं उनकी नफ़ी करती है कि कैंसर एक ला इज मर्ज है आ, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ महसूद साहब हैं जो सेक्शन हेड है रेडियो ऑनकोलॉजी के और उसके साथ ही हमारे साथ है शायान अंसारी, है है के। सर थैंक यू सो मच आप दोनों का प्रोग्राम पे टाइम दिया सर कैंसर के हवाले से अगर हम बात करें एक सीरियस इशू है आ, कैंसर की अक्साम क्या है सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं लेकिन कैंसर डिफरेंट किस्म के हैं जिस ऑर्गन पे या जिस जगह पे कैंसर बनता है तो उसी उसी लिहाज से उसको कहा जाता है ना जैसे ब्रेस्ट कैंसर है ब्रेस्ट में जो बनेगा ब्रेस्ट में जो गिल्टी बनेगी वो ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं अगर मुंह के अंदर बनेगा या आपके सांस की नाली पे के, के, के गले में बनेगा तो उसको हम मुँह के और गले के कैंसर्स कहते हैं इसी तरह पेट के अंदर जो आपकी इंटेस्टाइन है आते हैं उसके अंदर जो कैंसर्स बनते हैं अच्छा। उसको हम जिया कैंसर्स कहते हैं ठीक है प्रोस्टेट के कैंसर होते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होते हैं लंग कैंसर जो बड़ा कॉमन है जो लंग के अंदर जो कैंसर बनता है उसको लंग कैंसर कहते हैं इस तरह कैंसर एक्चुअली डिपेंड करता है कि साइड पे वो कैंसर बन रहा है ओके okay. थोड़ा सा मैं इस मौके पे ये बताना चाहूँ तो कैंसर है क्या ठीक है एक्चुअली हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने बड़ी रेगुलाइज बनाई हुई है इसमें कुछ सेल बनते हैं और ख़ुद ब खुद वो सेल डाई हो जाते हैं उसकी जगह कोई और नए सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं जब इनका डाया मेकनिज़म खराब हो जाता है किसी वजह से ठीक है उनको फीडबैक नहीं मिलता है तो वो बढ़ता जा रहा है वो कैंसर अच्छा ठीक है सर आ, 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 आपने जिस तरह कैंसर के बारे में बताया तो सर क्या आप डॉक्टर आसिफ साहब ये बताइएगा कि कैंसर की अलामत बेसिकली है क्या ये एक आम आदमी को पता कैसे चलता है किसी किस्म का भी कोई कैंसर हो तो अच्छा। उसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा जैसे मुंह के कैंसर है मुंह के कैंसर ज्यादातर उन लोगों को होते हैं जो पान छालिया निस्वार गुटका वगैरह इस्तेमाल करते हैं मुंह के अंदर एक जख्म बनता है अच्छा। ठीक है जो इनिशियली वो किसी आम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कहते जी एंटीबायोटिक ले लें ये ठीक हो जाएगा तो वो आहिस्ता आसता ग्रो करते करते वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं इसी तरह वो लोग जो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कफ आती है खांसी आती है ऐसी खांसी जो ठीक ना हो रही हो बलगम में आपको खून आ रहा हो ठीक है वो फिर लंग कैंसर का सबब बन जाता है अच्छा ठीक है डॉक्टर आसिफ महमूद साहब ने तो डिटेल में बताया डॉक्टर शाहान साहब थोड़ा सा आपकी तरफ आएंगे क्या का जाहिर हो जाना कैंसर की अलामत है बिल्कुल जी देखें इसमें कैंसर जो मैनेजमेंट हम कहते हैं उसकी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट वो है वो कि कैंसर प्रिवेंशन और अवेयरनेस ओके और प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस उसी वक्त होती है कि जब आपको पता हो कि इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि क्या ऐसी वजूहत हैं जिनसे ये कैंसर होता है जिनको रोका जा सके मसा जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि स्मोकिंग पान निस्वार गुटका छालिया जो मुँह के कैंसर के है जी और जहाँ तक बात आई अवेयरनेस की अवेयरनेस के लिए कि कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको पहले आपको एक तरह से रेड फ्लैग कर देंगे कि हाँ जी कोई प्रॉब्लम चल रही है मसला है ये कोई जखम, बल बल आम जखम बल बल नहीं बिल्कुल अब मसलन मेरा काम ज्यादा हेड एंड नेक का है जी okay. तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी की आवाज़ जो है वो तीन हफ्ते से ज्यादा खराब है तो उसको चेक कराना चाहिए अच्छा। इसी तरह मुंह के अंदर कोई जख्म है जो अच्छा। तीन हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा उसको चेक कराना चाहिए लोग तो इसको इग्नोर करते हैं ठीक है देसी टोट के इस्तेमाल करते हैं और फिर जब काफी बढ़ जाता है फिर उनको ख्याल आता है इसमें देखिए जो हम लोग जो ये प्रिवेंशन क्यों जरूरी है सबसे जो बेसिक समझने का वो है कि प्रवेंशन अवेयरनेस क्यों जरूरी है कैंसर जो हम कहते हैं ना इलाज मुश्किल होता है वो इस वजह से होता है कि जब जितना ये एडवांस हो जाता है उसका इलाज मुश्किल होता चला जाता है अच्छा और डे बाय डे जितना आप इसको डिले करते हैं कैंसर फारे नहीं बैठा रहता वो अपना काम करता रहता वो है वो तो अपनी पेस से पेशेंट बिल्कुल और अच्छा। तो वो एक टाइम आएगा कि वो एडवांस होता चला जाएगा जितना एडवांस होगा उतना उसका इलाज मुश्किल हो जाता है जी अब हमारी कोशिश ये होती है कि जितना जल्दी हम इसको पकड़ लें उसका इलाज ज़्यादा बेहतर लेकिन आप कैसे पकड़ेंगे जिसको है वही तो आए पहले हाँ तो इसलिए हम जो इसी वजह से जो हमारी सारी जो हैड एंड एक डे है और जो okay. सॉरी जो कैंसर डे है और जो सारी जो अवेयरनेस कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं ताकि लोगों को हम थोड़ी सी ये एम्पावरमेंट दें कि वो अपने आप में ज़रा देखें कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उनको नहीं ठीक लग रही या जो हम कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं मसा आपके गले में गिल्टी है जो तीन हफ्ते से बढ़ रही है तो उस पर बैठे ना रहें आपने चले ए, किसी डॉक्टर को दिखा के एक, एक एंटीबायोटिक का या कोई दवाई का कोर्स कर लिया है और वो ठीक नहीं हो रही है अच्छा। तो फिर स्पेशलिस्ट को दिखाएं उसका प्रॉपर तश्स कराएं जी डॉक्टर शायन सब कोई ऐसा एक टेस्ट है आम टेस्ट जिससे बंदा उसकी तश्ीस हो सके यानी कोई प्रॉपर इसके लिए इलाज की जरूरत नहीं इसके पहले लिए देखें तशीस के लिए देखें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक टेस्ट कराएं जी ठीक है अच्छा। क्योंकि अब लोग वो टेस्ट कराने लग जाएंगे और डॉक्टरों को जाना छोड़ तो, देंगे इसके लिए स्पेशलिस्ट इस को दिखाना जरूरी है जी ठीक है आप पहले जिस तरह देखें आपने अपने किसी भी डॉक्टर को दिखाया और आपकी चीज़ नहीं ठीक हुई तीन हफ्ते लग गए और ठीक नहीं हुई तो फिर बेहतर है कि उस जाके किसी आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि वो आपको बता सके कि इसमें एक कोई मसला है कि नहीं है और अगर मसला है तो अगर जल्दी पकड़ा जाएगा तो इलाज बेहतर हो जाएगा कम तकलीफ के साथ ठीक है।, है अच्छा डॉक्टर आसिफ साहब एक डॉक्टर साहब बड़े मशहूर है जिनको कहते हैं हर एक का इलाज हर चीज़ का इलाज है और ज्यादातर आजकल लोग जो है उससे रुझू कर रहे हैं डॉक्टर गूगल के बारे में बड़ी चीजें सुनिए कि जैसी कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर गूगल से उसकी हेल्प ले लेते ले हैं और वही मेडिसिन यूज कर लेते हैं कितना किस हद तक ये नुकसानदेह हो सकता है देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो गूगल ठीक है अच्छा। स्टार्ट में अगर आपको कोई सिम्टम्स लग रहे हैं कुछ सिम्टम रिपेयर हो रहे हैं तो आपको गूगल की हेल्प से आपको कुछ पता लग सकता है ये क्या है हुँ. ठीक है समटाइम्स तो ये बहुत हेल्पिंग होता है कि आपको पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है कि आपको जी ये चीज हो सकती है ओके देखे और इंसान की नेचर है इंसान हमेशा वर्स नैरियो देखता है ठीक है तो वो आई थिंक इस फर्स्ट लाम अच्छा हो सकता है लेकिन अच्छा। उसको बार बार गूगल्स को देखना और गूगल के अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली गूगल के थ्रू अपना इलाज शुरू कर देना तो उसके टोटकों पे चल जाना तो ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी ठीक <laughs> <laughs> है और एक, एक पॉइंट पे मैं एक और पॉइंट कहूँगा जो पेशेंट अब डायग्नोज हो गया है कैंसर का उसका ट्रीटमेंट हो रही है वो बार बार गूगल कर करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके हमारे पास आ रहे होते हैं कि वो आप भी हैं यानी कि वो वर्ड स्नैरियो देख के पूछ रहे होते हैं कि सर अगर हमारे साथ ऐसा हो गया फिर क्या होगा अगर हमारी स्टेज फोर हो जाएगी फिर क्या हो गया हालांकि वो स्टेज टू है वो ट्रीटेबल है तो अंदर भी के अगर बात की जाए आ, मरीजों के इलाज की फैसिलिटीज के, के हवाले से क्या इतनी काफी है कि बंदा किसी और सोर्स पे रिलाई ना करे पाकिस्तान के अंदर पूरा इलाज मुमकिन है देखिए वैसे तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में सारा इलाज मुमकिन है लेकिन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अनफॉर्चुनेटली अच्छा। कैंसर का जो इलाज है वो बड़े सिटीज़ में है छोटे सिटीज़ में नहीं है ठीक है इसीलिए भी वहाँ पे अवेयरनेस कम्पेंस की भी हमें जरूरत है ओके okay. ठीक है और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट की, की जरूरत है कि हर जगह पे एट लीस्ट एक बेसिक लेवल का ऐसा स्ट्रक्चर हो जो जो आगे रेफरल कर सके ठीक है जो प्रॉपर डायग्नोज करके प्रॉपर एरिया पे रेफर कर सके अच्छा लेकिन सर क्या आ, सुनने में तो यही है कि कैंसर का जो इलाज है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है हर बंदा एफोर्ड नहीं कर सकता उसको तो हर जगह पे ऐसे सेंटर बनाना पॉसिबल होगा देखिये दुनिया भर में कैंसर का इलाज सबसे मुश्किल है इसीलिए आपने शौकत खानम की मिसाल सुनी है ना कि शौकत खानम भी ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट पेशेंट्स का इलाज कर रहा है फ्री कर रहा है ठीक है तो हर सेंटर इस तरह नहीं कर सकता डेफिनेटली डेट इज ठीक है लेकिन कम अज कम एक बेस लेवल पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर सकती है ठीक है उसके बाद जो है हमारे पास काफ़ी स्पॉन्सर्ड भी होते हैं जैसे okay. शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हमने एक होप के नाम से एक बनाया हुआ है जिसमें कई लोग वहाँ पे डोनेशन देते हैं okay. और हम खुद से पेशेंट को देखते हैं कि जो पेशेंट वाकई डिजर्विंग है तो उन, उनका ट्रीटमेंट फिर होप के थ्रू भी होता है जी ठीक है डॉक्टर साहब ने आसिफ साहब ने होप के बारे में बताया और हमारे भी हमारे नाज्रीन के से रिक्वेस्ट है जो कि इस होप जो इन्होंने बनाया हुआ एक सिस्टम उसके अंदर डोनेट करें और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें अच्छा डॉक्टर शयान साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर एक बंदे में कैंसर के इलाज की तशीस हो चुकी है तो उसका माइंड सेट एक बन चुका होता है कि बस मेरी जिंदगी अब चार साल रह गए पांच साल रह गए एक तो ये बताइएगा कि ये सोच कितनी गलत है देखिए बात से एक चीज़ हम करना हर चीज़ मुश्किल होती है लेकिन चूंकि डर बैठा हुआ है दिलों के अंदर के कैंसर का इलाज जिसने बताया कि ना नहीं हो सकता और हिम्मत हार जाते, जाते हैं है। बिल्कुल और दूसरी वजह इसकी ये भी है कि इलाज महंगा है काफी लोग इस वजह से भी हाँ काफी लोग इस भी नहीं करते कि नहीं जी पता नहीं हमें इसके क्या करना पड़ेगा क्या वो यू नो तो वो सब चीजें आ जाती हैं और तीसरी वजह जो भी आपने बात की गूगल की बात की गूगल भी इसमें काफी रोल प्ले करता है अच्छा इसमें गूगल की वो अवेयरनेस वाली बात आती है लोगों को जो अवेयरनेसा हमारे तो ऑलमोस्ट एवरी डे का ये बहस चलती है तो मैं लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ गूगल जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता वो लोगों की इन्फॉर्मेशन आपको लेके देता है अब किसी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर डाल दी तो गूगल वो भी उठा के आपको दे, 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 दे देगा तो इसलिए हमेशा अगर आपने इंटरनेट इज वेरी हेल्पफुल अगर आप उसमें वैलिडेटेड इन्फॉमेसन कर रहे हो तो हमने क्या किया हुआ है कि अपने अपने लिंक्स बना के दिए हुए पेशेंट से कहते हैं अगर आपको चाहिए तो आप इन वेबसाइट से जाके इंफॉर्मेशन लें तो आपको एटलीस्ट वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी अच्छा। और जहाँ तक साइकोलॉजिकल है साइकोलॉजिकल रोल बहुत होता है सिर्फ इस पर सिर्फ डायग्नोसिस के ऊपर नहीं ये उसकी ट्रीटमेंट के दौरान भी ट्रीटमेंट के बाद भी क्योंकि काफ़ी सारी इसमें जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो काफ़ी कभी काफी म्यूटिलेटिंग सर्जरीज होती हैं जो पेशेंट okay. का आउटकम जो है आप कह लें आउटलुक जो है वो चेंज हो जाती है okay. तो साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है. है और इसी तरह जो इसी हम जब करते हैं हम ये कोशिश ही करते हैं कि कभी किसी को जब बताना हो सिर्फ ये भी बताना हो कि तुमको कैंसर है वी डोंट डू इट कि हाँ जी बाहर पेशेंट बैठे हुए हैं आपने बस कहा तुम्हें कैंसर आ, है तुम जाओ नहीं ऐसे नहीं हो बिल्कुल उसको है। बैठ के बताना समझाना और ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और ये आप जब तक पेशेंट को रि नहीं करेंगे जब तक उनको इंक्रेज नहीं करेंगे तो वो आप ट्रीटमेंट के लिए नहीं आएंगे ये बहुत ज़रूरी है बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा सर डॉक्टर शयान ये भी बताइए कि साथ साथ के अगर एक एक और जनरल कंसेप्ट भी है मेडिकल साइंस बारे में क्या कहती है इस पर भी आप ज़रा खुल के बात करिएगा क्या कैंसर का एक इलाज जो एक बंदे का चल रहा है उसका इलाज कम्प्लीट हो गया है तो क्या कैंसर कुछ अरसे के बाद दोबारा सामने आ सकता है या नहीं बिल्कुल जी कैंसर में एक ये बड़ी वो है कि लोग ये वो... वो ये भी समझते हैं ना कि इलाज इस बंदे ने ठीक नहीं करवाया था और फिर वो मेडिकल साइंस को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं देखिए इसमें दो दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ जी एक तो सिंपल सी बात है कि कैंसर ये तो प्रूवन चीज है कि कैंसर वापस आ सकता है उसी जगह पे जहाँ पहले था उसके अलावा कभी होता क्या है कि आप कैंसर की ट्रीटमेंट करती उस जगह पे वापस नहीं आया लेकिन चूंकि बॉडी इतनी प्री है और आपको इतनी ट्रीटमेंट मिली है कि कैंसर किसी और जगह पे भी आ सकता है तो ये तो प्रूवन फैक्ट होते हैं जी ओके। तो इसलिए हम इन पेशेंट्स को जो भी कैंसर का जिसका इलाज करते हैं तो पाँच साल तक हम उनको चेक करते हैं बड़े रेगुलर इंटरवल अच्छा। पे, ताकि उनका फॉलोअप चलता रहे अगर कोई चीज़ आए तो हम उसको जल्दी पकड़ लें और फ़ौर ही उसके ऊपर अमल कर लें उसको लेकिन अमूमन लोग यही करते हैं कि एक दफ़ा इलाज करा के बस बैठ जाते हैं हा, हाँ तो ये जरूरी देखिए फॉलो वेरी इंपॉर्टेंट और इसी वजह से कि ये वापस आ सकता है ठीक है डॉक्टर जी इस क्वेश्चन के मैं थोड़ा सा जी जी अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना आप ठीक हो गया जी एवरी आपने लास्ट आज ट्रीटमेंट कर लिया है आप उसे कहते हैं जी आप थ्री मंथस के बाद दोबारा आए पेशेंट आया जी साल के बाद ठीक है आप कहते हैं कहाँ थे आप जी किधर थे डॉक्टर साहब मुझे डर लगता सी कि ना मैं बीमारी वापस ना आ जाए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो ये 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 चीज ना अब ये तो दर अपने आप हाँ को इतना डर के सोफियास को खत्म करना इस चाहिए अच्छा ये सरी... आज का थीम भी ही है ना कि यस आई एम आई विल आई विल यस बिल्कुल अच्छा सर एक और चीज भी तो है अमूमन लोग

जनरल पब्लिक का डॉक्टर्स पर ट्रस्ट भी कम होता है हो गया ठीक है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है लेकिन कोई भी डॉक्टर जो है वो जानबूझ के अपने पेशेंट का बुरा नहीं चाहता जी ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है कोई अगर हमारे पास आया है कि कोई मुसीबत लेकर आया है तो वी ट्राई टू हेल्प हम ठीक है।, है और इस हम इसलिए बैठे हुए हैं जबरदस्त सर डॉक्टरों पर रिलाय खत्म हो गया सर इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे जो मिसबिलीव है ना हकीम्स पे हमारे जादू टोना करने वालों पर कोई पहाड़ पे बंदा बैठा है अक्सर पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब एक पहाड़ पे बंदा बैठा है वो फलान टाइम देता है वो एक पुड़िया देता है उसे बिल्कुल ठीक ऐसा ऐसी शुफ करता है कि बस? Exactly हो जाता है जी वो लोग लिटरली वहाँ जाते हैं और, और हमारे पास उस वक्त आते हैं जब स्टेज फोर में होते हैं और हमारा एक मेन डिलेमा पाकिस्तान का ये है कि हमारे पास लेट पेशेंट आता है और हमारा जो है ना मोर्टेलिटी टाइम डेथ रेट ज्यादा है कैंसर का वजह यह है कि वो लेट आता है वो इन एरिया से होके किसी पीर फकीर के पास किसी हकीम की दवाईया लेके जब वो कैंसर बहुत आउट हो गया है डॉक्टर को दिखा देते हैं ठीक है अब वो डॉक्टर स्टेज फोर पे आ गया तो आगे पा डॉक्टर क्या कर सकता है तो इन बिलीव्स को खुदारा जो ना इसको आप डील करें और एक एक फैक्ट है कि ठीक है आपको अल्लाह ने बीमारी दी है उसको कबूल करें एक उसका इलाज मुमकिन और, और है ना वो हदीस भी है आपका इलाज करवाएं उसको प्रॉपर तरीके से इलाज करें ठीक है अच्छा सर कैंसर की थोड़ी सी जो टाइप्स है उसके ऊपर बात कर लेते हैं सबसे खतरनाक कैंसर कौन सा है ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है गूगल में भी मैंने जब देखा तो मोस्ट सर्च क्वेश्चंस में आया देखिए सबसे खतरनाक कैंसर हम किसी एक कैंसर को नहीं कह सकते it मतलब इसका क्योर थोड़ा सा मुश्किल हाँ, है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेज एक्चुअली ओके मैं कहूंगा कोई भी कैंसर जो स्टेज 4 पे हो ठीक है वो मुश्किल कैंसर है उसको आप ठीक नहीं कर सकती ओके okay. जो कोई भी कैंसर जो स्टेज वन पे है वो ट्रीटेबल है उसको हम ठीक कर सकते हैं मेरे नज़दीक जो इसमें हम ये कहते हैं कि जो कैंसर आपके ऐसे ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो okay. तो उसका कैंसर थोड़ा ज़्यादा सिवियर होता है जी मसल अगर आपके सांस की नाली का कैंसर है या खाने की नाली का है क्योंकि उसका फिर इलाज इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है और फिर उनकी यानी वो बढ़ता भी तेज़ है उसका इफेक्ट भी बॉडी पे तेज आता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी जल्दी होती हैं तो ये ये एक फंक्शनल जो है एस्पेक्ट है इसका और जो तो, आ रही है अर्ली, अर्ली, स्टेज अर्ली स्टेज में अर्ली स्टेज, अर्ली चेज अर्ली चेज अर्ली चेज स्टेज में, में जी ठीक है अर्ली स्टेज में और लेट स्टेज में जो सबसे अच्छे वाले कैंसर भी होते हैं ना वो भी लेट स्टेज हाँ अच्छे वाले कैंसर भी कुछ होते हैं वो भी लेट स्टेज में खतरनाक हो जाते हैं ठीक है अच्छा सर थोड़ा थो सा हम इसकी प्रिवेंशन के ऊपर बात करते हैं कि एक आम आदमी अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और क्या फूड इनटेक कर सकता है जिससे वो अर्ली तो क्या उसकी नौबत भी ना आए ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है डॉक्टर शायान से स्टार्ट करते हैं ठीक है जो मैं आपसे कहा ना कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं और अपनी अच्छी उसमें हेल्दी लाइफ इज नंबर वन उसमें स्मोकिंग ठीक है गुटखा पान छालिया ये चीज़ें बिल्कुल बंद है को दूर हाँ कोशिश तो करनी चाहिए जी इनके ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए okay. फिर उसके बाद खाने पीने के अंदर जो है हम लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा ये जो जंक फूड वग़ैरह होता है इसका लिंक होता है एसिडिटी वगैरह के साथ और एसिडिटी का लिंक जो है वो प्रूवन है कैंसर के साथ ठीक okay. है फिर इस ये एक इस तरह इसलिए हम कहते हैं लाइफ फिर उसके बाद कुछ ये रेडिएशन वगैरह का भी होता है जी मस मोबाइल फ़ोन वग़ैरह जो हैं इनको भी थोड़ा ख्याल रखना लेकिन चाहिए लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा छोटा से छोटा बच्चा मैं अपने बच्चे की बात करूँ मोबाइल के अगर नहीं हाँ, रह सकता देखिए उसमें एक एक चीज़ है कि जो फ़ोन तो देखें हर बंदा यूज़ करता है लेकिन हम हम लोग आजकल इसको देख रहे हैं कि फ़ोन को एक्सेसिव यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा दूसरा चार्जिंग पे लगा के जो यूज़ करते हैं ना दैट इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि नहीं, उसके नहीं, तो नहीं, इसके ऊपर हाँ, बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर करना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है ओके तो देट इज़ अनदर वो फिर उसके बाद कुछ ऑक्यूपेशनल हैज़ट्स भी होते हैं ठीक है मसन जो वुड वर्क के साथ लोग काम कर रहे हैं जो स्पिरिट स्परिट्स वगैरह हो गई जी इन तो उन लोगों को थोड़ा और मोहतात ये मैं नहीं कहूँगा कि काम छोड़ दें छोड़ दें लेकिन थोड़ा मोहतात रहना चाहिए कि अगर कोई सिम्टम है तो फ़ॉर चेक कराया जाए ओके तो ये चीज़ें हैं जी जिसके ऊपर हमें करना चाहिए और अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी की तो उनको भी थोड़ा मोहतात रहना चाहिए तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए ठीक है अच्छा डॉक्टर आसिफ महमूद साहब हमने एक सोसाइटल इशू देखा है बिहेवियर बहुत नेगेटिव आ जाता है जिस बदले को अगर कैंसर डायग्नोस हो गया वो अपना ट्रीटमेंट भी कर रहा है इलाज करवा रहा है लेकिन उससे लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए ये बिल्कुल और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है। जो कैंसर पेशेंट होता है सबसे पहले तो हम उनके अटेंडेंट्स को बुला के ये कहते हैं कि देखिए इस इनकी बीमारी कैंसर आपको नहीं लग सकता लेकिन आपकी बीमारी इनको लग सकती है क्योंकि इम्यूनो इम्योनोकॉम्प्रोमाइज़्ड हैं ठीक है तो ये मेक श्योर sure, हर हर पेशेंट को हर अटेंडेंट को हमें किया जाता है कि आपकी बीमारी नहीं लग सकती नहीं लग सकती कैंसर किसी को डायरेक्टली इस तरह नहीं लग सकता लोग समझते ना क्या छूत की बीमारी है इनके घर exactly, नहीं जाना इसको तो कैंसर इनके घर में तो बहुत बला आ गई है जो कैंसर है इसको तो कुछ हो जाएगा साथ हमें भी लग जाएगा ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं आपको हंड्रेड एंड वन परसेंट कहता हूँ कैंसर किसी को डायरेक्टली इस तरह नहीं लग सकता कम्यूनिकेबल डिजीज़ नहीं, नहीं है। ओके ठीक हो गया अच्छा सर आ, वैक्सीन के हवाले से थोड़ा सा बताएं क्या अर्ली एज में आ, एक सबसे पहले इस पर ये बात कर सकते क्या छोटे बच्चों में भी कैंसर हो सकता है यानी इसकी कोई एज है जी एग्जैक्टली exactly, बच्चों के लहजा से कैंसर्स हैं काफ़ी टाइप के कैंसर हैं जिसमें बोन कैंसर्स हैं लिम्फोम लुकीमियाज़ हैं जो ज़्यादातर बच्चों में होते हैं ठीक है और सार्कोमाज हैं कुछ बच्चों के जो टिपिकल होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स हैं बच्चों में जो बड़े कॉमन होते हैं वायरस एज का लिहाज नहीं करता वायरस हैं जिसमें वायरस इंपॉर्टेंट है उसमें हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है ओके ओके ठीक है अच्छा डॉक्टर शयान साहब वैक्सीन अगर कोई ऐसी है जो कि अर्ली स्टेज में बच्चों को जिससे आजकल लगती है हर चीज़ की ऐसी डिवेलप हुई है आज तक मेडिकल साइंस हवाले से कुछ कैंसर के हवाले से कोई ऐसा यू नो स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है जी ठीक है तो ये क्या आप ये लगा लें तो आपको कोई कैंसर नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो वैक्सीनेशन होती है फ्लू की या वायरस की वगैरह की वो आप लगा सकते हैं ठीक है एक हेड एंड नेक में जो मेरा जो है स्पेशलिटी उसमें एक ख़ास किस्म का कैंसर है जो वायरस से रिलेटेड होता है अब उसकी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो गई है इसी तरह फीमेल्स में एक कैंसर है जो वायरस से रिलेटेड होता है okay. उनकी वैक्सीनेशन होती है और वो इसी उसमें करते हैं कि टू प्रिवेंट दिस कि वो वायरस वायरस ना हो और आगे वो प्रोपोगेट ना करे लेकिन वो जो है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स आ जाते हैं डिफरेंट एस सच जर्नल कैंसर की कोई प्रिवेंटेबल वैक्सीन नहीं है फिर वो स्पेसिफिक कैंसर्स के हिसाब से हो ठीक है डॉक्टर आसिफ यूब साहब अवेयरनेस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर किस हद तक काम हो रहा है और क्या आप दोनों सेटिसफाइड हैं या नहीं और अलशिफा के हवाले से भी बताइएगा कि, कि वो क्या काम करने वाले हैं आने वाले दिनों में देखिए अवेयरनेस के बारे में तो जितना काम हो वो काम है ओके ठीक है हम लोग मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि मीडिया फोर्थ फेबरी को एक कवरेज देता है हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जिसपे हम बोल सकते हैं जिसपे चंद लोग बैठ के इसको सुन सकते हैं और मे बी हमारे इस बोलने से अगर कुछ दो लोगों का भी फायदा हो गया तो मैं कहता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना ये किस्म का सुहाब का काम है बिल्कुर. तो हम हर साल कोशिश करते हैं और अवेयरनेस डिफरेंट प्रोग्राम्स में हम अवेयरनेस का किया जाता है ठीक है क्या शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल कल एक फोर्थ फेबरी को एक वॉक अरेंज कर रहे हैं ओके okay. जो हम इधर करेंगे उसका मकसद यही है कि ये करना कि वॉक जो है ना वो हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है okay. आप हेल्दी एक्टिविटी करेंगे आप वॉक करें आप अच्छी एक्सरसाइज करें तो जिसकी वजह से आप जो है ना आप प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर होने को सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं मैं इसी सिलसिले में कहना चाह रहा अच्छा, हूँ हम दोनों तहशिफा इंटरनेशनल में होते हैं तो हम लोगों ने अब हमारे ट्यूमर बोर्ड्स होते हैं हम केसेस डिस्कस होते हैं और हम लोग एज अ ग्रुप उसको ट्रीट करते हैं कैंसर को तो यानी ये चीज़ें नहीं हैं जो वेस्ट में हो रही हैं अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ला रहे हैं अब जो ट्रीट करते हैं पेशेंट्स उनको असेस किया जाता है कि ट्रीटमेंट एडुकेट थी कि नहीं थी उनकी क्वालिटी थी कि नहीं थी फंक्शन फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन दे मैटर अलाट अब प्रिवेंशन भी होगी आपकी अवेयरनेस भी हो गई और दूसरी तो मैनेजमेंट हो गई जो तीसरी तो मैनेजमेंट में भी वी आर वर्किंग साइड बाई साइड कैसा नहीं है कि हम सिर्फ इन दो चीज़ों पर कंसनट्रेट कर रहे हैं तीसरी छोड़ दी है तीसरी पर भी काफ़ी काम हो रहा है ट्रीटमेंट प्लान्स okay. देखे जाते हैं और अभी तो हम बड़े आराम से बत से बातें कर रहे हैं जब मीटिंग में आते हैं केसेस के ऊपर तो अगरबान <laughs> अच्छा। नहीं पकड़ते बाकी सब कुछ हो जाता है जी <laughs> <laughs> अच्छा ठीक है चलिए थैंक यू सो मच डॉक्टर शायान साहब डॉक्टर आसिफ महमूद साहब आपने डिटेल से बात की कैंसर के हवाले से भी व्यूवर्स हेल्थी लाइफ को अपनाया जाए तो ना सिर्फ कैंसर जैसे बल्कि इसके अलावा हर किस्म की बीमारी से महफूज़ रखा जा सकता है अब तक के लिए इतना ही अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़